अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम अमना के किचन में बना रहे हैं मिक्स मैक्रोनी। मेरे पास ना ये थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी जो थी बची हुई पड़ी थी, तो घर में जो चीज़ भी पड़ी हो उसको आप ना यूज़ में ले आया करें, उसको वेस्ट ना किया करें। तो ये मेरे पास तमाम मैक्रोनी जो थी ना, पास्ता थोड़ा थोड़ा पड़ा था, तो मैंने इन सबको जो है ना वो मिक्स करके मैक्रोनी बना ली थी। और एक पैकेट मैंने अचारी मैक्रोनी का वो ऐड कर दिया था। यहाँ पे देखिए कि थोड़ी थोड़ी मेरे पास सारी जो है ना वो मिक्स है, मैंने इन सबको इकट्ठा करके जो है ना वो मैंने मैक्रोनी रेडी की थी। 1 kg मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया था और कुछ मैंने यहाँ सब्जियाँ कटिंग कर ली थी। अब सबसे पहले हम जो है ना पास्ता बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में लिया है पानी। पानी को जो है ना थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें जो मिक्स हमारे पास जो मैक्रोनी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 teaspoon इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और 1 teaspoon इसमें ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पे हमारा पास्ता जो है वो बॉयल हो चुका है, अब हम इसको छान लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 1 जो है ना छोटे साइज़ की प्याज कटिंग कर ली है और इसमें 1/2 cup मैंने ऑयल ऐड किया है। अब प्याज को जो है ना वो हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पे आपने प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करके आपने इसमें 1 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि उसमें अच्छा सा जो है ना वो हमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो हमने बोनलेस चिकन लिया था और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। चिकन को आपने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए आपने चिकन को इसमें फ्राई करना है ताकि उसका जो है ना वो कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें एक टमाटर कटिंग करके वो ऐड कर देंगे। टमाटर को थोड़ी देर आपने इसको भूनना है। जब टमाटर थोड़ा भून जाए तो बाकी हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। अब जो अचारी मैंने जो मैक्रोनी ली थी उसमें जो है ना अचारी मसाला होता है, वो मैंने 1 साशे जो है ना वो इसमें ऐड कर दिया था। वो मसाला मैंने पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें 1/2 teaspoon मैंने नमक ऐड किया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका फ्लेवर जो है ना मसाले का बहुत ही मज़े का, और ये बहुत ही अचारी मैक्रोनी बनती है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने थोड़ी देर इसको भून लेना। भूनने के बाद जो है ना देखिए हमारा चिकन इस कलर में आ चुका है। अब हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। सब्जी ऐड करने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। सब्जियों को आपने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इससे जो है ना सब्जियों का जो है ना क्रंचीपन ख़त्म हो जाता है। बस 1 मिनट आपने सब्ज़ी को पकाना है ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छी सी क्रंची रहे। अच्छा जी, यहाँ पे 1 मिनट पकाने के बाद अब जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा था डिफरेंट शेप का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, अब हमने अपना पास्ता ऐड कर दिया है और चारी मैक्रोनी का जो एक पैकेट था वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसमें मैं बाकी सॉसेज ऐड करूँगी। 1 tablespoon मैंने चिली सॉस ऐड किया है। 1 tablespoon मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। 1 tablespoon इसमें हमने चिली सॉस ऐड करूँगी, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड करूँगी। तीनों सॉसेज डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए आपने इसको दम की फ्लेम पे रखना है और हमारा जो है ना ये अचारी पास्ता जो है वो रेडी हो जाएगा। यकीन करें ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। इसको आप लंच में खाएं, डिनर में खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप जो है ना इसको दे सकते हैं। अच्छा जी, ये 2 मिनट कवर करने के बाद जो है ना देखें कि जी हमारा पास्ता जो है वो रेडी है। 2 मिनट बाद कवर उठाएंगे, हमारा पास्ता जो है ना मैं अचारी मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल रेडी है और आप इसको अब सर्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें आप खुश रहें और हेल्दी रहें। तो जी इंशाल्लाह कल मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमना के किचन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।